दोस्तों आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हो यह स्पा की वह लड़कियां हैं जो अपना जिस्म का धंधा करती है। बालोतरा जिले में आचार संहिता के बीच पचपदरा में जिस्म फरोशी का भंडाफोड़, 18 से अधिक युवक युवतियां गिरफ्तार। बालोतरा जिले के पचपदरा में शुक्रवार को रात पुलिस ने एक स्पा सेंटर पर छापा मारकर जिस्म फरोशी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से अधिक युवक युवतियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से कई लड़कियां विदेशी नागरिक है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को स्पा सेंटर की आड़ में जिस्म फरोशी की शिकायत मिली थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शुक्रवार को रात स्पा सेंटर पर रेड मारी। रेड से पहले पुलिस ने अपना बोगस ग्राहक भेजा और जैसे ही उसने इशारा किया पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मौके से 18 से अधिक युवक युवतियों को गिरफ्तार किया। इनमें से कई लड़कियां विदेशी नागरिक है, जिनमें से अधिकतर लड़कियां रसीन बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों को पचपदरा थाने में ले जाकर पूछताछ शुरू की। मामले की सूचना मिलते ही पत्रकार थाने के बाहर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अभी कार्रवाई चल रही है और सुबह तक मामले की जानकारी दी जाएगी। थाने के आसपास कई लोग अपने पहचान वाले गिरफ्तार युवकों को इस मामले को नाम हटाने के लिए पहुंच गए। पत्रकारों ने मामले को उजागर कर कार्रवाई की सूचना सार्वजनिक कर दिया। उसके नाम पृथक ये कल देर शाम को 8:30 बजे के आसपास हमें मुखबिर से इतला मिली थी कि पचपदरा बाईपास के ऊपर कैलाश होटल के सामने एक ड्रीम्स वेज होटल है जिसके ऊपर महिलाओं का अनैतिक व्यापार का अड्डा चल रहा है। मुखबिर की सूचना विश्वसनीय लगने पर हमने हमारे कॉन्स्टेबल उदाराम को सिविल ड्रेस में बोगस ग्राहक के रूप में इतला की विश्वसनीयता जांचने के लिए वहाँ भेजा। तो उसने पूरी तहकीकात करके और भेजने के बाद हमें टीम को सूचित किया कि हाँ ये इतला सही है। उसके बाद हमने एक सिविल में टीम और एक मैं खुद स्वयं जाकर होटल की सर्च की गई तो होटल के ग्राउंड फ्लोर पे कमरे थे। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 4-5 कमरों में बाहर से विदेशी महिलाएं लाई गई थी और कस्टमर्स बुला रखे थे। काफ़ी आपत्तिजनक हालातों में 2-3 कमरों में सर्च की गई तो वो महिला कांस्टेबल की उपस्थिति में की गई तो वो पाए गए। उनसे उस बाबत कोई लाइसेंस वो सब जानकारी ली गई तो वो उनके पास नहीं मिला। उस होटल का संचालक बालोतरा का अनवंत कॉलोनी का रहने वाला विक्रमपुरी उर्फ विक्की है, जो मैन इन विदेशी लड़कियों को अपने वहाँ बुलाता है और ग्राहकों को उन लड़कियों की फ़ोटो भेजकर फिर एक ग्राहक से दूसरे ग्राहक इस तरीके से जोड़कर उनको लालच में डालकर इस अनैतिक व्यापार में खेलता है। तो वहाँ से मौके से कुल 10 लड़कियाँ और 6 ग्राहक उनको वहाँ से पूरी मौके कार्रवाई करके अरेस्ट करके थाने पर लाया गया, जिसमें से 8 लड़कियाँ थाईलैंड की हैं, एक लड़की वहीं की लाओस की है, 9 विदेशी लड़कियाँ होगी और एक सूरत की लड़की और 6 ग्राहक थे जो यहीं बालोतरा और आसपास के लोग। सर इस तरीके के जो कामकाज चलते हैं इसको लेकर आगे भी किए किस प्रकार के पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी रहेगी? इस तरीके के जहाँ भी जैसे भी कोई भी सूचना मिलेगी हम अपने स्तर पर भी डेवलप करेंगे। ऐसे कोई भी अनैतिक व्यापार के धंधे चलेंगे उनके ऊपर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें नहीं होने देंगे।